और कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर करौली से है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो सह प्रभारी हैं अमृता आज करौली आ रही हैं और कल कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। स्थानीय रिजोर्ट में ये बैठक का आयोजन है। संगठन की मजबूती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही विधायक के रिपोर्ट का जानकारी लेने की कोशिश कार्यकर्ता से होगी। फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपी जानी है। तो पूरी तरह से कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं की क्या शिकायतें हैं, सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंच रही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेश के सहप्रभारी इस वक्त दौरा कर रहे हैं और अमृता जो कि कांग्रेस प्रदेश सहप्रभारी हैं वो आज करौली जाएंगी। कल कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक। करौली से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता आज आ रही हैं करौली। कल आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें संगठन की मजबूती सहित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी और समझने की कोशिश होगी कि सरकार के कामकाज किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो विधायक है वहां पर वो किस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं और कितना यहां पर फीडबैक इस तरीके का कार्यकर्ता देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। चूंकि उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी को कहा गया है और इसी सिलसिले में अमृता आज करौली आ रही है। करौली से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस सह प्रभारी अमृता का आज दौरा है और कल माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ होगी।